गुड मॉर्निंग। ऐसे नहीं यार, सूखे सूखे क्यों कह रहे हो? अभी अभी नाश्ता करके आए, वो भी 10 के बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो कैसे आप लोग? ठीक है सर। तो बेसिकली ये है कि मैंने भी इन्हीं बेंचेस पे बैठ के अपनी इंटरमीडिएट वाली एजुकेशन कंप्लीट की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिसीजन मेकिंग। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं या डिसीजन किसे कहते हैं? यस, फैसला। और कोई? चलो राइट डिसीजन किसे कहते हैं? सही फैसला। मतलब बॉय किसे कहते हैं आप कह रहे हो? लड़के को कहते हैं। या गर्ल किसे कहते हैं आप कह रहे हो? लड़की को कहते हैं। ये तो सबको पता है। राइट डिसीजन क्या होता है? राइट डिसीजन राइट डिसीजन होता है। वेरी गुड, सही फैसला। वो फैसला जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। वेरी गुड, बेनिफिशियल हो। वो फैसला जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। वेरी गुड, यही बातें हैं। तो अपने लिए तालियां बजाओ एक दफा। और बैड डिसीजन इसका उल्टा हुआ ना। अब लाइफ में कैसे पता चले ये राइट डिसीजन है ये बैड डिसीजन है? गाइड लेके। वेरी गुड। और सक्सेस से, किसी और की सक्सेस स्टोरी देख के? ऐसा ना, ऑब्जर्वेशन से। टाइम मेन फैक्टर क्या है? टाइम है। अभी आपको पता चलेगा ये डिसीजन सही है या गलत है। अभी मान लो, लेट सपोज आपको गुस्सा आ गया, आपने अपनी मोबाइल तोड़ दी, उस टाइम तो वो डिसीजन सही लगा ना आपको। 10 मिनट बाद क्या लगेगा? आपने किसी के साथ ब्रेकअप किया, ठीक है? होते रहे ना, आप लोगों का एज ग्रुप इसी चीज़ में फंसा हुआ है, ठीक है? ये फैसला सही है या गलत है कब पता चलेगा? एक दो तीन महीने बाद। सो एनी डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन, उस पॉइंट पे हमें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सही है या गलत है। ये तो दो तीन महीने, कुछ डिसीजन में 5 सालों बाद पता चलता है। करियर की मैं मिसाल लूँ, आप इंजीनियर बनो, तो ये डिसीजन सही था या गलत था कब पता चलता है? जब यूनिवर्सिटी से फारिग होते हो। तो ये चीज़ कैसे देखा जाए पहले कि वो डिसीजन मेरा सही है या गलत है? मतलब अभी मैं बैठ करके फ्यूचर को देखना। बिगिन विद द एंड इन माइंड। सुना है ये कोट किसका है? स्टीफन आर कोवी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसने क्या कहा? बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो आप कोई भी फैसला लेते हो, अभी मैं बैठ करके आप ये नहीं कह सकते ये मेरा सही फैसला है या ये मेरा गलत फैसला है। वो तो 5-6 साल बाद पता चलेगा। तो उस चीज़ को पता करने के लिए अभी मैं बैठ करके हमें क्या करना होगा? 5-6 साल बाद वाली अपनी लाइफ को देखना होगा। वो कैसे देखोगे आप? उसके लिए क्या करना होगा? आप क्या इमेजिनेशन से कुछ होगा? क्योंकि इमेजिनेशन से तो वही आएगा जो आपको पता है। प्लानिंग, प्लानिंग भी किस तरह? लिख सकते हैं, दैट इज गुड ऑप्शन। एक्सेलेंट, इसके लिए तालियां बजाओ। वहां पे आपको इमेजिनेशन से भी बढ़कर जो चीज है आपको देखना होगा एज इट इज। क्योंकि आप अगर MBBS डॉक्टर बनना चाहते हो, लेट सपोज, तो आपको 5-6 MBBS डॉक्टर्स के पास जाना होगा। जाना होगा, नहीं जाना होगा? आप मेडिकल ले रहे हो, डिसीजन बड़ा है? करियर वाला डिसीजन बड़ा है छोटा है? शादी का डिसीजन बड़ा है छोटा है? लव, लव जिसको आप कहते हो, लव हर्ट्स, बेवफा लव, बेवफा इश्क, उसमें जाना छोटा डिसीजन है, बड़ा डिसीजन है? साइकोलॉजिकल बीमारियां हो सकती है उस वजह से, अगर वो आपको धोखा दे तो। आई डोंट यूज दैट वर्ड। इस तरह की चीज़ हो सकती है ना, बहुत कुछ। आप रो सकते हो, यार ये क्या हो गया, शराब पी रहे हो, उसने मुझे छोड़ दिया, धोखा दिया, ये वो। तो कोई भी डिसीजन आप जब लेते हो उसका जो आउटकम है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता बड़े डिसीजंस का। अगर आप छोटे छोटे डिसीजंस हैं, बिरयानी खाने का मन कर रहा है, चावल लिया, गोश्त लिया, सालन लिया, पका लिया, ख़त्म, वो डिसीजन रात तक है। अभी वॉशरूम आया है, वॉशरूम गए, वॉशरूम किया, वापस आ गए, ख़त्म ना। और कुछ बीच में बचता है? एक्शन के साथ ही आउटकम। तो कुछ डिसीजन ऐसे हैं जहाँ पे एक्शन और आउटकम स्पॉन्टेनियस है, बट करियर वाला डिसीजन, शादी वाला डिसीजन, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप वाला डिसीजन, उनके साथ किस तरह का बर्ताव करना है, बहुत बड़े डिसीजन है। इनको एकदम में डिसाइड करना गलत होगा,
जस्ट बिकॉज मेरे भाई ने MBBS किया है मैं भी करूँगा, जस्ट बिकॉज किसी और ने सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने भी की है या मैं भी करूँगा जिस तरह मैंने की, तो इन डिसीजन में क्या करना होगा, अब सोल्यूशन क्या है इसका। अगर आप लोग अभी ये देखने लग जाओ कि मैट्रिक में मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, इस डिसीजन को जिन बंधुओं ने लिया है उनके साथ क्या हुआ है, आपके साथ भी वही होने वाला है। 90% केस में यही होता है, क्योंकि जो मेडिकल ले रहा है MBBS का डॉक्टर बन रहा है, तो वो जिस तरह का डॉक्टर बनना है उसकी लाइफ जिस तरह है, आप भी उसी लाइफ के होगे ना, होगा नहीं पॉसिबल नहीं है। हॉस्पिटल में जाकर बीमारों के साथ तो छेड़ना है ना, वो नहीं करो आप, पॉसिबल नहीं, मैं तो डॉक्टर बन गया, मैं घर पर बैठूंगा। आई एम सेइंग कि जो बना तो, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई बनेगा, जो बना तो उसकी लाइफ उन्हीं डॉक्टरों जैसी होगी जो 5 साल पहले डॉक्टर बन चुके हैं। तो हम क्या करते हैं इस सोसाइटी के प्रेशर में आके, जल्दी एडमिशन लो, जल्दी एडमिशन लो, जल्दी जल्दी का काम किसका होता है, तो शैतान का फैसला अक्सर गलत होता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब बीइंग अ स्टूडेंट हमें तो नहीं पता होता ना 5 साल बाद मेरे साथ क्या होगा। राइट डिसीजन लेने के लिए फर्स्ट स्टेप इज आपको रुक करके बैठना होगा, पॉज लेना होगा। मैट्रिक किया आपने, 1 हफ्ते का गैप लिया आपने, ब्रेक लिया, आपने कहा यार मैंने मैट्रिक किया है अब मुझे क्या करना है, आपने खुद से पूछा, अपनी पोटेंशियल्स को लिखा, अपनी वीकनेसेस को लिखा, उस पोटेंशियल के रिलेटेड क्या क्या किया जा सकता है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो इस तरह देखने लग जाते हो चीज़ों को। एक दफा आपको पता चल जाता है कि यार ये मेरा डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन आप सही लेते हो, सुबह उठ के बिस्तर बंद करना पहला डिसीजन, बड़े जब बात करें तो बीच में नहीं बोलना दूसरा डिसीजन, रात को टाइम पे सोना तीसरा डिसीजन। एकदम में बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपकी जो एज ग्रुप है छोटे छोटे डिसीजन, तो छोटे छोटे डिसीजन को ज़्यादा अहमियत ना दो बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करो। दूसरा, उन बंधु से जो ऑलरेडी उस फील्ड में गए हैं उनसे पता करके देखो भाई तू गया है तुझे कैसा लग रहा है, क्या क्या होता है इस फील्ड में। जब इस तरह की चीज़ें देखने लग जाते हो, जब जो शादी कर चुके हैं ऑलरेडी उनसे जाओ पूछते हो क्या होता है, जो सिंगल है वो कमिटेड बंधु से पूछ सकते हो कि क्या हो रहा है लाइफ में, और जो कमिटेड है वो सिंगल से पूछो, सिंगल कितना आज़ाद है उनको नहीं पता, अकेले कहीं भी जा सकता है, कमिटेड है मुझे बताया भी नहीं, होता है ना, हंस रहे जो हंस रहे वो रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, लाजमी है कि नहीं लाइफ में जो भी डिसीजन हम ले वो सही हो। अभी मोमेंट में गलत लग सकता है, क्योंकि जब मैंने ये सेशंस लेना स्टार्ट किया है 90% लोग कह रहे हैं ये गलत है, अब बोलो ये गलत है या सही है पता नहीं, बट एक कंडीशन है, बट ये मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी लाइफ बकवास है, मेरे लिए ऐसा है, अब बोलो सही या गलत। अब बाढ़ में जाए बल्ले दुनिया, जो भी हो दुनिया ऐसी की तैसी हो, आई एम गोना डू इट एंड आई विल नेवर स्टॉप डूइंग इट बिकॉज़ आई हैव टेकन अ डिसीजन। तो डिसीजन जब एक दफ़ा लो सही समझ के लेना है, मैं ये कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा इसके नुकसान सब लिख लोगे माइंड खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। और जो लिखने वाली बात किसने की थी, डेट इज़ बेस्ट चॉइस, पेज पे लिख लो, लिखना तो आता है ना, रोलर डाल के कलरफुल पेन से लिख सकते हो, यहाँ पे इसके साइड बैड थिंग्स गुड थिंग्स, मेरे अच्छे आते हैं मेरी बुरी आते हैं, इसके करने के फ़ायदे इसके करने के नुकसान, इसके ना करने के फ़ायदे ना करने के नुकसान, और ये सिगरेट पीने वाला डिसीजन, इसका आज भी तो लगता है स्टाइल है, लड़कियों को पसंद है, फूको भाई ये तो कल पता चलेगा ना अच्छा या बुरा है। शराब पीने का डिसीजन, हर कोई डिसीजन, हम डिसीजन से गिरे पड़े हैं। तो सिगरेट पीने वाला डिसीजन कब पता चलेगा अच्छा या बुरा है, अस्पताल में जब एडमिट हो जाओगे। तो ये डिसीजन लेने से पहले 7 दिन का ब्रेक लो, एक पेन पेपर पे लिखना है कि ये सही है ये गलत है, ये चॉकलेट खाना सही है या गलत है, फ़ायदे नुकसान लिखो, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करके लिखो, चॉकलेट खाने से क्या हो रहा है, खाते हुए क्या हो रहा है, अरे खा रहा हूँ, इमेजिनेशन पावर तेज करो, वहाँ से भी सीखो। हर चीज़ को सीखने से जब रिलेट करोगे ना, कोई काम गलत कोई काम सही नहीं है। आप किसी भी काम को सही और गलत कब कहते हो, उसके एसोसिएटेड इमोशन से ना, जब कुछ करते हो जिससे जिसका मकसद सीखना हो, वहाँ हर डिसीजन सही होता है। तो इससे ज़्यादा आई वॉन्ट टेक योर टाइम बिकॉज द नेक्स्ट सेशन वुड बी ऑफ इब्रार। एंड इसे मज़ा आया, यस सर नो, यस सर नो, यस सर।
पिटाई होगी हमारी। थैंक यू सो मच।